आप भी मेरा फैसला सुन ले। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उमेर से, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। मैं उस लड़की का नाम नहीं सुनना चाहती। बेहतरी इसी में है कि तुम उसका भूत अपने दिल और दिमाग से उतार दो। सारा से बहुत बेहतर लड़की मिल जाएगी तुम्हें। हाँ ये ठीक है कि वो इतने दौलतमंद नहीं होंगे, लेकिन इज्जतदार लोग होंगे। वाह भाई, हादिया को तो उमेर के बारे में सब कुछ पता है। इतना तो मुझे भी तुम्हारे बारे में नहीं पता था। जाहिर है वो बचपन से साथ हैं, एक घर में बड़े हुए। तो तुम और मैं भी तो एक साथ रहे, फिर भी मैं तो तुम्हें नहीं जान सकी। हालांकि मैं तो तुमसे मोहब्बत भी करती थी। हम किसी के बारे में इतना तभी जानने की कोशिश करते हैं जब हम उससे मोहब्बत। वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल तुम मेरे क्या हो की अगली एपिसोड के हवाले से बताने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि उमेर अपनी वालिदा के साथ आ जाता है जुहेब के घर रिश्ते के हवाले से बात करने के लिए। तो जुहेब ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और फिर सारा से भी इस मामले पर पूछता है और यही कह रहा होता है कि इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो, जबकि तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि उमेर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन सारा जवाब देते हुए यही कह रही होती है जुहेब से कि अब वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, उसे अपनी माजी की गलतियों पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भी है और उसे एहसास हो चुका है, इसी वजह से उसने खुद को काफी ज्यादा बदल भी दिया है और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है और वैसे भी ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जिसके बाद जुहेब वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता सारा के इस फैसले से। खैर इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जुहेब की बीवी वो यही चाह रही होती है कि सारा की शादी हो जाए, कि वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर सारा की शादी ना हो सकी तो फिर वो उनके रिश्ते में काफी ज्यादा इख्तिलाफात पैदा कर सकती है। यहाँ तक कि जुहेब बहुत ही ज्यादा नाराज भी रहने लगता है। इसी वजह से अब जुहेब की बीवी का यही फैसला होता है कि सारा ने अपने मुस्तकबिल के हवाले से जो भी फैसला किया है हमें तो जुहेब उसमें उसका साथ देना चाहिए। तो खैर इधर सारा की वालिदा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि इधर उमेर की वालिदा सब घर वालों को यही कह रही होती है कि अब तो उसका बेटा बहुत ही ज्यादा बदल चुका है और बहुत ही अच्छा बन गया है, यहाँ तक कि अब वो घर वालों को भी बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। तो इसीलिए आपका जो भी जवाब होगा आप सोच समझ के दीजिएगा। तो खैर आप अच्छी तरह से सोच लीजिएगा और फिर वक्त गुजरने के साथ आगे आप ये भी देखेंगे कि हो सकता है कि उमेर की शादी हो जाए सारा से। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।